हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 67, ठीक है, ऑफ सीआरपीसी। देखो, अभी हम जितने भी सेक्शंस पढ़ रहे हैं सारे के सारे सीआरपीसी के हैं, ठीक है। ऑफ सीआरपीसी, सीआरपीसी, वैसे ये आर हम लिखते हैं स्मॉल, सो सीआरपीसी, सीआरपीसी का सेक्शन 64। सो हमने प्रीवियस लेक्चर में सेक्शन, हमने प्रीवियस लेक्चर से स्टार्ट किया था कि हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 61 से 69 तक। सेक्शन 61 टू 69 ऑफ सीआरपीसी। सो हमने 61, 62 एंड 63 प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था और आज हम 64 पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज के लेक्चर से हम सेक्शन 64 पढ़ रहे हैं, जो डील करता है सर्विस, सर्विस व्हेन अ पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड। अगर जिस पर्सन को हमें समन भेजना है वो नहीं मिल रहा है, तो हम कैसे सर्विस कर सकते हैं समन की, या कैसे समन दे सकते हैं, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे हैं, सो 64, 65 एंड 66, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे हैं, वेट अ मिनट, आज हम कवर कर रहे हैं 64 तक कवर कर, 63 तक कवर कर लिया था, 61 डन, 2 एंड 3। सो आज के लेक्चर में हम 64, 65 एंड 66 कवर करेंगे। 64 किससे डील करता है, सर्विस व्हेन अ पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड। हम उस पर्सन को नहीं खोज सकते, या नहीं हमें मिला वो पर्सन जिसको समन देना था। सेक्शन 65 डील करता है कि प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी अफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड। सो जो सर्विस, सर्विस क्या है, समन देने की, समन देने की जो सर्विस है, कैन नॉट बी अफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड। एंड सेक्शन 66 डील्स विद द सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्विस, सर्वेंट, सॉरी। सो गवर्नमेंट सर्विस को समन देने की सर्विस क्या होती है, ये हम सेक्शन 66 में देखेंगे। सो 64 से शुरू करते हैं। 64 क्या कह रहा है, सेक्शन 64 कह रहा है कि जब वो पर्सन नहीं मिला हमें, जिस पर्सन को समन देना था वो तो मिला ही नहीं, तब क्या करें। सो सेक्शन 64 बता रहा है क्या करना है, वेयर द पर्सन समन कैन नॉट, ठीक है, जिस पर्सन को समन देना था कैन नॉट बाई द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलीजेंस बी फाउंड, द समन मे बी सर्व्ड बाय लीविंग वन ऑफ द ड्यूप्लीकेट्स फॉर हिम विद सम अडल्ट मेल मेंबर ऑफ हिज फैमिली। किसको दे देना है, अगर वो पर्सन नहीं मिलता है, अगर वो पर्सन को हम नहीं खोज पाते हैं, तो हमें जो समन उसे देना था उसकी एक कॉपी, ड्यूप्लीकेट कॉपी किसे दे देनी है, वन अडल्ट मेल मेंबर ऑफ हिज फैमिली और हर फैमिली रिसाइडिंग विद हिम, जो उसके साथ रह रहा हो, ठीक है, जो उसके साथ रह रहा है, उसके फैमिली के किसी अडल्ट मेल मेंबर को हमें वो समन की ड्यूप्लीकेट कॉपी दे देनी है। एंड द पर्सन विद होम द समन इज सो लेफ्ट शैल, इफ सो रिक्वायर्ड बाय द सर्विंग ऑफिसर, साइन और रिसीव देयरफॉर ऑन द बैक ऑफ द अदर ड्यूप्लीकेट। देखो, तो जिस भी पर्सन को हम समन देते थे उसकी साइन लेते थे, है ना। सो यहाँ पे अगर वो पर्सन नहीं मिल रहा है जिसको हमें समन देना है, तो हमने क्या किया, उसके घर के किसी एक अडल्ट मेल मेंबर, ऐसा नहीं कि किसी बच्चे को दे दिया, किसी अडल्ट मेल मेंबर जो उनके साथ उसी ही घर में रह रहे हैं, जो हमें रिकॉर्ड बताए कि इस घर पे वो रहते हैं जिन्हें समन देना है, उस घर में ही रहने वाले किसी एक अडल्ट मेल मेंबर को हमें वो समन की डुप्लीकेट कॉपी दे देनी है। एंड देने के बाद क्या करना है, अगर जो सर्विस ऑफिसर है, मतलब जो समन देने गया है, वो ऑफिसर क्या करेगा, जो रिसीप्ट है उसके बैक साइड पे, रिसीप्ट के बैक साइड पे सिग्नेचर ले लेगा उस पर्सन का जिसने वो समन रिसीव किया, that adult male member of that house, या फिर the adult male member of that person's family, जो उनके साथ रह रहे हैं, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ये है, अ सर्वेंट इज नॉट अ मेम्बर ऑफ द फैमिली। अगर आप उस घर के नौकर को दे देते हो ये कहते हुए कि भाई ये एक अडल्ट मेल मेम्बर है, तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि दैट सर्वेंट इज नॉट अ मेम्बर ऑफ द फैमिली विद इन द रिमेनिंग ऑफ दिस सेक्शन, ओके, विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। सो इस सेक्शन के मीनिंग के अंदर हमने बोला अडल्ट मेल मेंबर जो उस घर में रह रहा है, सो ऐसा नहीं कि नौकर को दे दिया, नहीं, जो सर्वेंट है अगर वो अडल्ट भी है, मेल मेंबर भी है, उसी घर में ही रह रहा है, पर फिर भी वो फैमिली का पार्ट नहीं है, इसलिए हम जो हमारा समन है वो उस पर्सन को नहीं दे सकते। किसी रिस्पॉन्सिबल अडल्ट मेल मेंबर जो फैमिली का होना चाहिए उसे समन देना है, उसकी साइन ले लेनी है ऑन दी ड्यूप्लीकेट ऑफ दैट समन,
ठीक है. सो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं इन सेक्शन 64 ऑफ सीआरपीसी. ठीक है, सेक्शन 64 ऑफ सीआरपीसी. अब हमें देखना है सेक्शन 65 ऑफ सीआरपीसी. सेक्शन 65 सीआरपीसी किससे डील करता है? प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी अफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड. ओके, इफ सर्विस, कौन सी सर्विस? समन देने की सर्विस cannot by the exercise of due diligence be affected as provided in the section 2, section 3 and section 4, the serving officer shall affix one of the duplicates of the summon to some conspicuous part of the house or homestead in which the person summoned ordinarily resides. Okay, thereupon the court, after making such inquiry as if things fit, may either declare that the summon has been duly served, or they can order a fresher service in such a manner as it considered proper. देखो क्या होता है कि जो सर्विस है यहाँ पे, सर्विस क्या है? समन देने की सर्विस है. जो भी ऑफिसर समन देने जा रहा है उसे क्या ध्यान में रखना है? सेक्शन 62, 63 एंड 64. इसके जब वो किसी भी घर में वो समन दे के आ रहे हैं, ठीक है, समन दे दिया, समन देने के बाद समन कहाँ पे, अगर समन दे दिया, अगर कोई मेल अडल पर्सन भी नहीं मिला, वो पर्सन भी नहीं मिला, तो उस घर में हमने समन ड्रॉप किया. एंड देन उसके बाद या दो चीज़ें हो सकती है, या तो हम ये डिक्लेयर कर देंगे या तो कोर्ट ये डिक्लेयर कर देगी कि समन सर्व कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ भेजा गया है जहाँ पे उस इंसान का घर है जिसे समन करना है. ठीक है, सो कोर्ट ने क्या बोला कि अगर उनके घर आपने समन भिजवा दिया है तो समन सर्व हो गया, तो दूसरी समन नहीं दी जाएगी, वो वाली समन डिक्लेयर कर देंगे हम कि वो समन सर्व हो गई है. ठीक है, बट अगर ये डिक्लेयर नहीं करते कि वो समन सर्व हो गई है, तो एक नई फ्रेश सर्विस ऑर्डर, मतलब एक फ्रेश समन जारी किया जाएगा, या फिर एक फ्रेश समन भेजा जाएगा फिर से उस पर्सन के घर पे. ठीक है, हमें सेक्शन 64 पे ध्यान रखना है, 63 पे ध्यान रखना है एंड 62 पे भी ध्यान रखना है. 62 क्या कह रहा है? 62 कि कैसे सर्व करना है, कैसे, अगर कोई कॉर्पोरेट बॉडी है तो कैसे सर्व करना है, अगर वो पर्सन नहीं मिला तो कैसे सर्व करना है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए जब अगर हमने समन उस प्लेस पे सर्व कर दिया है जहाँ पे उस पर्सन का घर है. ठीक है, तो हम ये या तो ये डिक्लेयर कर देंगे कि समन एक्सेप्ट हो गया, या तो फिर एक फ्रेश समन जो कोर्ट है वो जारी करेगी. सो यही सेक्शन 64 ने हैंडल कर, 65 ने हैंडल करना है. ठीक है, नेक्स्ट इज सेक्शन 66 ऑफ सीआरपीसी. सेक्शन 66 ऑफ सीआरपीसी विच टेल्स अबाउट कि कैसे सर्विस देनी है, कैसे समन की सर्विस देनी है, कैसे सर्व करना है समन टू द गवर्नमेंट सर्वेंट. वो ऑलरेडी एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो क्या करना है इसके बारे में हमने ऑलरेडी एक बार पढ़ा हुआ है ना, समन के उसमें पढ़ा हुआ है, समन वाले लेक्चर में. Where the person summoned is in the active service of the government, the court issuing the summon shall ordinarily send it in duplicate to the head of the office. ठीक है, जो भी उसका office है, जैसे मैंने example बताया था, अगर कोई person फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ऑफिसर है तो हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस में भी वो समन भेजना पड़ेगा कि आपके यहाँ के इस ऑफिसर को हम समन दे रहे हैं. ठीक है, इन विच सच पर्सन इज एम्प्लॉयड, मतलब जिस भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का वो पार्ट है उसके हेड ऑफिस में हम एक समन भेजते हैं, कॉपी ऑफ समन भेजते हैं. एंड सच हैड शैल देयर अपॉन कॉजेस द समन टू बी सर्वड इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द सेक्शन 62. 62 में आ जाओ. 62 क्या कह रहा है कि कैसे समन सर्व करना है. सो जो गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए, गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए हमने जो समन भेजा है वो फिर उसके हेड ऑफिस से सर्व होगा. एंड शैल रिटर्न इट टू द कोर्ट अंडर हिज सिग्नेचर, और उसे क्या करना है, अपना सिग्नेचर देके उस डिपार्टमेंट को, जैसे कि जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिसमें उस पर्सन की सर्विस है, या जो भी पर्सन वहाँ जो जॉब कर रहा है, सो वहाँ का जो हेड है उसने भी साइन करना है विद द एंडोर्समेंट रिक्वायर्ड बाय दिस सेक्शन. जो भी एंडोर्समेंट सेक्शन 62 रिक्वायर करता है, उस रिक्वायरमेंट्स के साथ उस पर्सन का भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या हेड ऑफिस
में जो भी ऑफिसर है उनके सिग्नेचर के साथ ये जो समन है वो वापस रिटर्न आना चाहिए, ठीक है। सच सिग्नेचर शाल बी एविडेंस फॉर ड्यू सर्विस, और ये जो सिग्नेचर है वो ये प्रूव करते हैं कि वो जो पर्सन है, वो जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो उसी डिपार्टमेंट में जॉब करता है या फिर उसी डिपार्टमेंट की सर्विस कर रहा है, ठीक है। सो ये डील करता है सेक्शन 66, ठीक है। सेक्शन 66 डील करता है सर्विस ऑन दी, कैसे समन सर्व करना है गवर्नमेंट सर्वेंट को, ठीक है। सो हमने क्या करना है, एक कॉपी, मैं आई थिंक आई एम नॉट सो क्लियर अबाउट द नंबर ऑफ समन्स, बट समन हमने देना है कहाँ, उसके डिपार्टमेंट में, एंड देन डिपार्टमेंट के हेड ने भी साइन करके वो समन वापस भेजना है, जो एक एविडेंस है कि वो पर्सन उसी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेक्शन 67 ऑफ सीआरपीसी व्हिच डील्स विद द सर्विस ऑफ समन आउटसाइड द लोकल लिमिट्स। अगर लोकल लिमिट्स के बाहर आपको समन सेंड करना है तो कैसे करना होगा, मेरा कोर्ट डिज़ायर्स, अगर कोर्ट का डिज़ायर है दैट अ समन इशूड बाय इट शाल बी सर्व्ड एट एनी प्लेस आउटसाइड द लोकल ज्यूरिसडिक्शन, अगर कोर्ट को लोकल ज्यूरिसडिक्शन से बाहर समन भेजना है, इट शाल ऑर्डिनरीली सेंड समन इन ड्यूप्लीकेट टू अ मजिस्ट्रेट विद इन हुज लोकल ज्यूरिसडिक्शन द पर्सन समन्स रिसाइड्स और इज़ टू बी देयर सर्व। तो हमने क्या करना है, अगर हमको हमारे ज्यूरिसडिक्शन से बाहर के किसी इंसान को समन करना है तो हमने उस एरिया के मजिस्ट्रेट को समन की एक कॉपी भेजनी है, ठीक है। उस एरिया के मजिस्ट्रेट को हमने समन की एक कॉपी भेजनी है, फिर वो जो मजिस्ट्रेट है, ठीक है, वो जो उसका लोकल ज्यूरिसडिक्शन है, जिस एरिया में उस पर्सन का घर है जिसे हमें समन करना है, उस एरिया का जो मजिस्ट्रेट है वो समन फिर उस पर्सन के घर पे भेज देंगे, ठीक है। लेट्स से ये हमारा कोई एरिया है, एक्स एरिया है, ठीक है, एक्स एरिया का ज्यूरिसडिक्शन है, बट हमें वाई एरिया में रहने वाले किसी पर्सन एम को समन भेजना है। सो ये जो एक्स ज्यूरिसडिक्शन का समन है वो जाएगा वाई ज्यूरिसडिक्शन के मजिस्ट्रेट के पास, फिर वाई ज्यूरिसडिक्शन का मजिस्ट्रेट जो है एम को समन सर्व कर देंगे, ठीक है। सो ये किसके अंदर आता है, सेक्शन 67 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है, सेक्शन 67 ऑफ सीआरपीसी। सो ये हमने करना है, ठीक है। सो ये चार सेक्शन आज के लेक्चर में हमने पढ़े, सेक्शन 67, सेक्शन 66, सेक्शन 65 एंड सेक्शन 64, ठीक है। सी आर पी सी का 64, 65, 66 एंड 67 आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम 68 एंड 9 कर लेंगे, ठीक है, दो ही तो सेक्शन बच गए। 61 से 69 सेक्शन तक हमने कंप्लीट करना था। सो कल के लेक्चर में 68 एंड 69 सेक्शन CRPC का हम कवर कर लेंगे। आई होप आज के लेक्चर में जो हमने सेक्शंस कवर किए, ऐसे तो वो बहुत ईजी है बट आपको समझ में आए होंगे, है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। हम ऐप में अवेलेबल हैं, हम टेलीग्राम में अवेलेबल हैं, हम इंस्टाग्राम में अवेलेबल हैं, व्हाट्सएप सपोर्ट, इन सारे सोशल मीडियाज़ पे हम अवेलेबल हैं। एंड जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो सारी लिंक्स आपको मिल जानी है, ओके। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय।